रास्ता पापियों का मान फिराने के लिए धर्म में ढीले करने वालों को उत्सर्ग करने और खाली लोगों को पवित्र करने का बड़ा लाभदायक उपाय है। क्रूस के रास्ते के समय हम मन ही मन यीशु के साथ भरवारी पहाड़ की लोकमय यात्रा करते हैं। चलते चलते और देखते देखते हम अपने हृदय में प्रेम और धन्यवाद का भाव उत्पन्न करें। शुरू करने से पहले सारे हृदय से पश्चाताप की गिनती बोलिए। इस बात का भी विचार कीजिए कि किसके लिए धनोचन कमाना चाहते हैं, आपने आपके लिए या सदगण की आत्माओं के लिए। क्या हमारे जो साथी हैं के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्यवाद करते हैं। यीशु अपने कंधे पर भारी क्रूस धोते धोते हमको याद करते थे। उन्होंने हमारे लिए अपने पिता को अपना मरण चढ़ाया। विनती हे प्राण प्यारे यीशु, जो दुख कष्ट मुझे अपने मरण तक उठाने पड़ेंगे उन्हें मैं शरीर हृदय से ग्रहण करता हूँ। मैं गिलगिला के सुख से विनती करता हूँ उस दुख के पुण्य फलों के द्वारा जिसको तूने क्रूस ढोते समय उठाया मुझे सहायता दे, जिससे मैं पूरे धीराज और त्याग से अपना क्रूस ढोऊं। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र हो, राज्य आवे तेरी, जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, हमारे विश्वासियों के आत्माएं पानी पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्यवाद कहते हैं। यीशु का शरीर कोड़ों की मार से लहूलुहान हो गया था। उनके सिर पर कांटों का मुकुट था। वह इतना निर्बल बन गए थे कि मुश्किल से आगे चल सकते थे। इस पर भी उन्हें क्रूस का भारी बोझ अपने कंधे पर ढोना ही पड़ा। सिपाही लोग उनको क्रूरता से मरते और धकेलते थे, जिसका फल यह हुआ कि यीशु भूमि पर गिर पड़े। हे यीशु, क्रूस का बोझ तो नहीं पर मेरे पापों का बोझ मुझे इतना दुख देता था। हे यीशु, इस पहली बार गिरने के पुण्य फलों के द्वारा मुझे आत्मा मारू पाप में गिरने से बचा। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे
और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपना अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डालते एक स्त्री नाम वरुण का था।
यह देखकर कि यीशु का चेहरा पसीने और लहू से भरा हुआ है, उनको एक रुमाल दिया जिससे वह अपना चेहरा पोंछ ले, और देखो उनका पवित्र चेहरा रुमाल में छाप गया। हे प्राण प्यारे यीशु, पहले तो तेरा चेहरा सुंदर था, पर इस नाक में घाव और लहू के कारण वह सुंदरता उड़ गई है। बपतिस्मा पाकर मेरी आत्मा भी सुंदर थी, पर मेरे पापों के कारण वह सुंदरता भी उड़ गई। हे मुक्तिदाता, तू ही उस सुंदरता को लौटा दे सकता है अपनी दुर्भोग द्वारा, ऐसा ही कर। हे यीशु पिता हमारे, प्रभु दया कर, मारे हुए विश्वासियों की आत्माएं ये दारू नहीं।
जीवा